हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले पूरी। और ये मैंने छोले लिए हैं जो मैंने रात भर भिगा दिए, 7 to 8 hours तक भिगा दिए कम से कम, काफी देर से। अब हम इसके डायरेक्ट मसाला बना के हम छोले बनाएंगे। हमने एक कुकर में तेल गरम कर लिया है। ये मैंने 2 प्याज ली है जिसे मैंने पीस लिया है। इसी भी प्याज को हम इस गरम तेल में ऐड कर लेंगे और उसको ब्राउन होने तक के अच्छे से हम भूनेंगे। प्याज को भी हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 हरी मिर्ची हम इसमें काट के डालेंगे और अच्छे से हम भून लेंगे। और यही मसाला, ये मैंने छोले ऐड कर दिए हैं। अब छोलों को हम अच्छे से इस मसाले हम भूनेंगे। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं। अब ये तीनों टमाटर को हम अच्छे से पीस लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची। हमने 2 हरी मिर्ची पहले कुकर में भी ऐड करी थी छोले के साथ, और इसमें हम 2 हरी मिर्ची और ऐड करेंगे। उसके साथ साथ हम ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, सारे बेसिक मसाले ऐड करेंगे। और तीखा आपको जितना चाहिए आप उतना तीखा रखिएगा। और हमें इसी थिक ग्रेवी रखनी है, ज़्यादा हमें प्यूरी टाइप नहीं बनानी है, ऐसे थिक ग्रेवी रखनी है। अभी इस टमाटो ग्रेवी को हम इस चने, भुने हुए चने में हम एक ग्रेवी ऐड कर लेंगे और अच्छे से हम भून लेंगे ये सारी चीज़ों को। हम सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। वसा एवरेज का छोले चाट मसाला, छोले मसाला। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। जितना हम इस छोले के मसालों को अच्छे से भूनेंगे उतना ही छोले में फ्लेवर और टेक्सचर काफ़ी अच्छा आएगा इसका। 2 टमाटर पीस के डाला है और ये 2 टमाटर हम उसमें काट के डालेंगे। इसमें हम इसमें ऐड करेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा। मसाला कितना अच्छे से हमारा भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, हमें इतना पानी ऐड करना है जिससे सारे चने अच्छे से भीग जाए अंदर। पानी ऊपर तक रहना चाहिए क्योंकि हमें इसे अच्छी खासी हमें सीटी लगानी है। एटलीस्ट आप 6 से 7 सीटी, या तो फिर चने जब तक कि सॉफ्ट ना हो आप सीटी लगाइए। ये देखिए हमारे छोले कितने अच्छे से कुक हो गए, एकदम सॉफ्ट हो गए। एक आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए हल्का सा दबाते हैं कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए एकदम। बहुत गर्म है अभी इस वक्त ये देखिए। अभी हम जो पानी हमने डाला था सारा पानी भी सूख गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा एवरेस्ट का वही छोले मसाले का गरम मसाला, और उसको बॉईल करने रख देंगे। अब हम छोले में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा ऐड नहीं करना है हमें। छोले की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी ही रखनी है, ग्रेवी थोड़ी हमें गाढ़ी रखनी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से ऐसे स्मैश कर देंगे। इससे हमारी ग्रेवी और ज़्यादा गाढ़ी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोथमीर, हरा धनिया, और अच्छे से हम इसे अभी मिक्स कर। छोले बनके रेडी हो गए छोले। अब हम इसे गैस को बंद करके हम ही सर्व ना करें, थोड़ा उसको रेस्ट होने दीजिए कम से कम 15 to 20 मिनट्स तक, क्योंकि सारा जो मसाला है छोले में उसका फ्लेवर एनहेंस हो, फिर ही आप इसे मतलब सर्व करिएगा। ये हमारा बनके रेडी है। माशाल्लाह ग्रेवी काफ़ी थिक और छोले भी अच्छे से कुक हो गए हैं, और माशाल्लाह खाने में भी उतने ही टेस्टी थे ये छोले।
हमने भटूरे के लिए एक कटोरी मैदे का आटा और आधा कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। मून के लिए हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें ऑयल। हमने आटा लगा के रख दिया है, अब हम इसे रेस्ट देंगे 10 to 15 मिनट्स। पूरी बनाने से पहले हमें एक बार और अच्छे से हम इसे आटे को अच्छे से मसल लेंगे और हल्का सा तेल लगा के पाट पे अब हम पूरी ज़रा मोटी और अच्छी बेलेंगे और उसको गरम तेल में अच्छे से पूरी को तल लेंगे। ये हमारे छोले भटूरे बनके रेडी हो गए। हमें पूरी थोड़ी ज़्यादा कड़क पसंद है, इसलिए हमने पूरी को थोड़ा कड़क रखा है। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।